नमस्कार सर, नमस्कार। जस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी हम हैं पुष्कर फेयर में। पुष्कर फेयर में आपका हार्दिक स्वागत है। सर, कब आया पुष्कर में? नमस्कार, मैं आया हूँ 14 तारीख को इवनिंग में। जी, आकर थोड़ा टेंट वेंट का सेटअप किया। जी, और कल अपने जो जानवर हैं वो भी आ गए। जी, तो करीबन 2-3 दिन हो गए मुझे आए। ओके, सर, वैसे तो एक रिसेंट वीडियो ही बनाया, तो इंट्रोडक्शन तो आपका हो ही गया था उसमें, बट फिर भी अगर कोई नया वीडियो है तो नए कोई लोग क्लिक करते हैं इस पे, तो आप थोड़ा सा अपना जानकारी अपना। हाँ, मैं बता देता हूँ, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। जी, और मेरे फार्म का नाम SM स्टेट फार्म है। जी, जो कि जयपुर में कालवाड़ एरिया है, वहाँ पे है। अच्छा, जयपुर में कालवाड़ में आपका, जहाँ पे, ठीक है। तो सर, पुष्कर में क्या फर्स्ट टाइम है आपका ये? हाँ, वैसे तो मैं पुष्कर बहुत सालों से आ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन मैं जानवर इस बार ही लेकर आया हूँ। हाँ, मतलब आपने प्रॉपर सेटअप किया है यहाँ पे, स्टोरीज लगाई है आप? एक दो बार बीच में सोचा था, लेकिन वो फिर शो के हिसाब से, लेकिन फिर नहीं ला पाए थे, जानवर इतने तैयार नहीं थे। और इस बार मैं जानवर, तो प्रॉपर प्लान के साथ इस बार ही आप कह सकते हैं आप आए हैं। ओके, इस बार थोड़ा फ्री भी थे तो इस हिसाब से फिर। So how's going in पुष्कर, मतलब कैसा? अच्छा है, अभी पुष्कर मेला अच्छा भरेगा इस बार, काफी जानवर आए हैं और काफी, जैसे घोड़े आए हैं, उसके अलावा और भी कई जानवर आए हैं, ऊंट खूब आए हैं इस बार, और बढ़िया माहौल है, व्यापारी खूब आए हैं। बाकी ऑफिशियल जो मेला है वो तो 18 से शुरू होगा। अच्छा, पर जो अपने जानवर लाते हैं उनको थोड़ा पहले तैयारी करनी पड़ती है, पड़ता है, तो कुछ लोग एंजॉय के मूड से भी आते हैं कि चलो थोड़ा सा वेकेशन के टाइप में आ जाता है पुष्कर, फिर ज्यादा तो एक फन है जी। कभी अभी क्या लाए हैं सर? अब कुछ अभी मेरे पास 4 जानवर लेकर आए, जिसमें एक फिली है आलमगीर से, मेरे पास एक घोड़ी है मनीहोद लाइन की, बढ़िया पुरानी घोड़ी है, उससे फिली है, उसको हम अपने मतलब शो के हिसाब से लेकर आए, थोड़ा शो के थोड़ा दिखाएं सर कहाँ पे क्या शो, थोड़ा सा बताएं। और ये करीबन है 27-28 महीने की है, जो ये पीछे वाली जो घोड़ी है, राइट, तो हम फोकस करते हैं उस पर। हाँ जी प्लीज, तो वो पीछे जो बड़ी वाली है, 27 मंथ्स। ये बच्ची है और ये करीबन 10 महीने की है। ओके, ये वाली बच्ची, तो 10 महीने और 27 महीने। मदर साइड से सेम है, फादर साइड से? वो वाली जो 27 महीने वाली बच्ची, वो आलमगीर की है, आलमगीर के हिसाब से लेकर आए। जी, हालांकि ये सारे जानवर हम वैसे ही लेकर आए हैं, दिखाने के हिसाब से आप कुछ आए हो, सेटअप किया है, तो जानवर तो होने ही चाहिए आपके पास। अगर जानवर नहीं होंगे तो आपसे मिलने कोई नहीं आता है। सही बात, यहाँ सब लोग जानवर देखने ही आते हैं, मतलब उनमें से कोई अगर किसी को ऐसा है तो अपन मतलब दे भी सकते हैं। जी, और वो वाली बच्ची स्पेशल हम शो के हिसाब से। अच्छा, आलमगीर वाली आप शो के हिसाब से लेके आए और बाकी आप दे सकते हैं? हाँ, दे मतलब सकते हैं, कोई अच्छा हो किसी को पसंद हो तो देते हैं। तो इसके बारे में से बताएं थोड़ा। और ये मेरे पास एक कोल्ट है, ये करीबन है 15 महीने का, और ये भी मेरे पास जो घोड़ा है स्टैलियन परमवीर, उसका ही परमवीर आपके पास सप्ताश? हाँ, परमवीर का घोड़ा है सप्ताश का, ये उसका बच्चा है। हाँ, ये उसका बच्चा है और करीबन 15 महीने का है, बढ़िया है, हाइट लेंथ से बच्ची है। इसकी मदर भी मेरे पास है, वो जो मैंने थोड़ा टाइम पहले ही सेल करी है। ज्यादा विजुअल्स देखने के लिए आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं, सर के फार्म का, SM स्टेट फार्म का लास्ट वीडियो, जयपुर का SM स्टेट फार्म करके आप मेरे पिछले कुछ वीडियो को स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पे आप ज़्यादा आप इन घोड़ों की विजुअल्स और डिटेल्स के बारे में देख सकते हैं। बाकी मेले में ही आए हैं, और अगर कोई इंटरेस्टेड है इनको, अगर कोई अगर चाहता है कि ये हमारे स्टेट फार्म में होने चाहिए, हमारे घर में होने चाहिए, तो आप लोग ये ले भी सकते हैं, मतलब अभी ऑफर निकला है। ठीक है, आप ज्यादा जानवर होते हैं तो फिर आपको रोटेट करना ही होता है, राइट। और बढ़िया पंच कल्याण बच्चा है, बिल्कुल। और एक ये है मेरे पास, शुभ्रक नाम है इसका, शुभ्रक है। हाँ, और ये 4 दांत है। और ऑल मतलब उसका दिलशान, आलिशान लाइन का घोड़ा है, दिलशान उसका बच्चा है ये वाला। मदर, हाँ, इसी सेम मदर है जो अभी बच्चा मैंने आपको बताया है 15 महीने वाला, उसकी और इसकी मदर सेम है, 64+ इसकी हाइट है, बढ़िया। ओके, और अच्छा सुंदर बच्चा है, दिलशान का है ना? हाँ, ये दिलशान का। और इसकी मदर आपके पास ही? हाँ, मेरे पास ही अभी फिलहाल, मतलब पहले मेरे पास ही थी, अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने उसको। तो ये सब आपके होम ब्रीड्स ही हैं एक तरह? हाँ, ये होम ब्रीड ही है मेरी। वही है, अगर ज्यादा होम ब्रीड होती है तो फिर प्रोडक्शन भी होता है, जब प्रोडक्शन भी सब तो आप रख नहीं सकते हो, तो उस हिसाब से
सेल पे भी है ना जानवर, तो अभी सर से आप बात कर सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई अगर स्टेलियन के या कोई घोड़ा, अच्छा घोड़ा लेने के में इंटरेस्टेड है तो दिलशान का घोड़ा आप ले सकते हैं। अच्छा इसके विजुअल्स में आप फोटोज वगैरह में डाल दूंगा आपको, तो वो भी आप देख पा रहे हैं। और आप कोल्ट भी देख सकते हैं, जो कोल्ट ये है परम वीर का। तो आपका नंबर बता दीजिए आप, ताकि कोई भी आपसे अगर इनके बारे में ज़्यादा डिटेल लेना चाहेगा या कोई लेने में इंटरेस्टेड होगा तो आपसे बात कर पाएगा इसमें, या फिर घोड़े देखने भी कोई आना चाहता है, आपसे मिलने भी आना चाहता है तो वो आ सकता है आपसे। मेरा नंबर है 9982000888। ओके एक बार दोबारा से सर रिपीट कर दें। 9982000888। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। ओके।